स्वागत है आपका ज्ञान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। मेरठ से आईजी रेंज प्रणवीन कुमार पहुंचे बागपत। बागपत पुलिस लाइन में बने प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। बागपत जनपद की कानून व्यवस्था का जाना हाल। बैठक में एसपी एएसपी समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। बागपत में लगातार चल रही ताबड़तोड़ मुठभेड़ पर बोले आईजी प्रवीण कुमार, अपराध कम करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। अपराध के प्रति रही जीरो टॉलरेंस की नीति। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर हत्या मामले पर कहा एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने कहा निर्देशों को नहीं भेजा जाएगा जेल और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इंस्पेक्शन के हम लोगों का काम होता है, जिसमें लगातार जो पुलिस कर्मी काम कर रहे होते हैं उसमें हौसला अफजाई का काम होता है। जहाँ पर सुधार की आवश्यकता होती है उसको वहाँ पर बताया जाता है। और कुल मिलाकर के पूरी टीम इंस्पेक्टर की यहाँ पर जितने चुनौतियाँ हैं क्राइम की प्रिवेंशन करने के दृष्टिकोण से, उसको लेकर के समन्वित रणनीति बनाना और उसको क्रियान्वित अच्छी तरह से हमारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसको हम लोग। सर बागपत में ऑपरेशन क्लीन जारी है, लोग बदमाशों के अंदर दहशत है और व्यापारियों में भी काफी खुशी देखी जा रही है, सर इस समय क्या कहेंगे? देखिए, अपराध नियंत्रण करना पुलिस की प्राथमिकता है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा से रही है। और निश्चित तौर पर हम लोग अपराधियों के विसंबंध कठोर कार्रवाई करते हैं। सर, कुछ जिलाध्यक्ष वाले मामले में दो खुलासे हुए हैं सर, एक पहला खुलासा हुआ था, क्या वो अपराधी भी इसमें लिखा है या अलग है? सर देखिए, इसमें एसआईटी की जांच कर रही है और इसमें हम इतना आश्वस्त करते हैं कि निर्दोष जो है वो जेल में नहीं रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।